आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर खान के तबादले का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया है। ख्वाजा वसीम अब्बास एडवोकेट ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी, कैबिनेट डिवीजन और दीगर को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर के तबादले के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और ये दरख्वास्त जो है एक मकामी वकील है ख्वाजा मोहम्मद मबात हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर किया। इस दरख्वास्त में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अलावा दीगर को फ्री बनाया गया है और इसमें मौकफ तैयार किया गया है कि पुलिस आर्डर 2002 के आर्टिकल 11 के तहत पुलिस के आईजी की तैनाती 3 साल के लिए की जाती है, लेकिन मौजूदा आईजी मोहम्मद ताहिर का 1 माह 7 दिन बाद तबादला कर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि तबादले में पुलिस आर्डर 2002 के आर्टिकल 11 को मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालत की इस्तात की है कि आईजी मोहम्मद ताहिर के तबादले के नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार देते हुए कलदम करार दिया जाए और इनकी जो यहाँ पे तैनाती थी उसको बरकरार रखा जाए। इस केस की समाज कल जस्टिस मामून रशीद शेख करेंगे। जी जी ठीक है मलिक अशरफ।